वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज है वेडनेसडे। वैसे तो सीखा की छुट्टी थी लेकिन वो जा चुकी है जॉब पे क्योंकि उसे जाना था ज़रूरी। और फ्रेंड्स आज है वेडनेसडे, वेडनेसडे बता चुकी मैं। तो गाइस आज का मौसम भी थोड़ा ही ठीक ठाक है। वैसे ना एक हफ्ते से रेगुलर यहाँ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा कि ज़्यादातर जगहों पे पानी भर चुका है, पूरी दिल्ली पानी से भर चुकी है। और अभी भी सुबह थोड़ी सी बारिश हुई, उसके बाद देखो धूप निकल गई हल्की हल्की और पता है बिल्कुल हवा वगैरह भी बंद हो गई और इतनी गर्मी लग रही है। हल्की हल्की धूप आ रही है लेकिन गर्मी बहुत। तो मैं आई थी थोड़ा छत पर देखने लेकिन छत पर ना बिल्कुल भी दो मिनट रहने का मौसम नहीं है, बिल्कुल इतना तेज़ धूप भी नहीं है तेज़ लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं जा रही हूँ नीचे और मैंने आपको अपने प्लांट्स दिखाते हूँ कि बारिश के मौसम में प्लांट्स कैसे खिल रहे हैं। ये है मेरे प्लांट्स जो बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छे से खिल चुके हैं। और ये देखो यहाँ से आप देख सकते हो, ये है मेरे प्लांट्स। इतने सारे प्लांट्स जो है ना मेरे सब खिल चुके, बहुत अच्छा मौसम है। तीन चार दिन से बारिश, वैसे भी बारिश में ना प्लांट्स बहुत अच्छे खिलते हैं, तो मेरे प्लांट्स भी बहुत अच्छे से खिल चुके हैं। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे, तो मैं बज रहे हैं अभी कितना बज रहा, अभी बज रहे हैं 12:30। तो अभी ना बारिश हो रही था फिर रुक गया लेकिन 12:30 बज चुके हैं, लग ही नहीं था 12:30 बज रहे हैं। और उसके बाद आज मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो सुबह तो मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी थी लेकिन अभी जा रही हूँ खाना बनाने। तो मम्मी का कॉल है, मम्मी ने कहा मम्मी का बिरयानी खाने का मन है, 7 चिकन बिरयानी नहीं वेज बिरयानी। तो मम्मी का ना सोयाबीन वाली वेज बिरयानी खाने का मन है, तो मैं जा रही हूँ वही बनाने और मैं आज उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसी बिरयानी आप लोग मार्केट से ख़रीद के खाते ना वेज बिरयानी, आज बिल्कुल ही वैसा सेम बिरयानी मैं बनाऊँगी। और एक बार आप लोग भी ट्राई करना अपने घर पर, आप मार्केट की खाना भूल जाओगे अगर ये वाली रेसिपी अपने अपने घर में बना ली। तो मैं चलती हूँ नीचे और चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करने क्योंकि मम्मी का आने का टाइम हो रहा है और खाना बनाते बनाते भी 1-1.5 घंटा लग ही जाता है। तो चलते हैं जल्दी से नीचे। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अभी नीचे और अभी ना मैं पंखे के नीचे खड़ी हूँ क्योंकि बहुत गर्मी थी छत पे। तो मैं थोड़ी देर यहाँ अपने पसीना सुखा रही हूँ और मैंने बालों में बना लिया जूड़ा क्योंकि मैं नहा के आई थी, तब तो मेरे बाल गीले थे लेकिन अभी मेरे बाल सूख चुके हैं। तो मैंने बना लिया जूड़ा, इतनी गर्मी में कोई बाल नहीं खोल सकता। और बारिश भी अचानक से रुक गई, इतना गंदा मौसम हो गया, इतनी धूप हो रही है। धूप भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है लेकिन ना मतलब उमस सी हो गई, हवा भी नहीं चल रही है। तो मैं पंखे के नीचे खड़ी थोड़ी देर जब तक कुछ बिल्ली है, सीना सूख चुका है। अब चलते हैं हम लोग किचन में। गाइस किचन में जाने से पहले ना ये देखो मैंने यहाँ लगा रखी है मशीन कपड़े धोने के लिए। गाइस ये देखो, ये मैंने सूट पहले ही धो लिया था क्योंकि मैं इसमें साथ नहीं धोती, ख़राब हो जाएगा ये। और मैं मशीन लगा चुकी थी सुबह से ही, मशीन चल रही 4-5 बार चल चुकी है, 2 बार चल चुकी है, 4-5 बार कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो 2 बार मशीन चल चुकी है और अभी मैं इसे फिर से घुमा देती हूँ, अभी इसे बस खंगालना रह गया है। उसके बाद ये गोल गोल वैसे खड़ी चुकी है, अब थोड़ी एक बार और घूम जाएगा, उसके बाद मैं इसे निकाल के दोबारा से ना वगैरह धोऊंगी दोबारा से। अभी तो मैं ये धो रही हूँ कपड़े, एक बार धुल चुके हैं वो देखो बाल्टी में, ये सारे कपड़े धुल चुके हैं। और उसके बाद ये वाले धुलेंगे, उसके बाद मैं डालूंगी जो घर में कारपेट वगैरह है ना वो डालूंगी। और अभी मैं जा रही हूँ अपने किचन में, जब तक मेरे ये कपड़े धुल रहे हैं तब तक मैं बनाऊंगी बिरयानी। और मुझे ना सच बता रही वेज बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। ये देखो बिल्ली इतनी चला के बार बार आती है, भाग जाती है। पहले मैं अपना चावल तो ले लूँ। तो बिरयानी बनाने के लिए ना चावल सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप बिरयानी बना रहे हो तो लंबे लंबे चावल चाहिए होते हैं जो कि मैं शॉप से ख़रीद कर लाई हूँ। आ गई हूँ मैं अपने किचन में, ये देखो मेरा किचन कितना क्लीन। तो फ्रेंड्स बिरयानी बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है चावल, तो ये 3 पाव चावल है जो बासमती का होता है। और चावल को ना 1 घंटा या 1/2 घंटा पहले फुलाने के लिए रखना होता है, इससे ना चावल बहुत ज़्यादा खिले खिले बनते हैं और जल्दी जल्दी भी बन भी जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/2 घंटा पहले ही फुलाने के लिए इसे रख दिया था। और अब मैं चढ़ाऊँगी चावल के लिए पानी, तो यहाँ मैं कुकर ले लिया है मैंने, आप किसी चीज़ में भी बना सकते हो, कुकर कढ़ाई पतीला जो आपको सूटेबल लगे। तो मैंने यहाँ कुकर लिया है क्योंकि मेरे पास बड़े बर्तन नहीं है, तो मैंने यहाँ बड़ा कुकर ले लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है पानी। तो जितना आपका चावल है उस अकॉर्डिंग आप उससे थोड़ा ज़्यादा पानी रखिए। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी कुछ इंग्रेडिएंट्स जो कि इसमें पड़ते हैं। तो मैंने इसमें डाल दी है 6 से 7 हरी मिर्ची और उसे मैंने बीच से कट कर लिया था, और कुछ साबुत खड़े मसाले जिसमें लौंग इलायची तेज़पत्ता जीरा
और वगैरह वगैरह जितने भी सामान होते हैं वो सब मैंने खड़े मसाले इसमें डाल दिए। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच नमक। तो नमक आप अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही डालिए कि कितना आपको रखना है। चावल में हमें नमक नहीं डालना होता अलग से, तो इस पानी में ही हम लोग नमक डालते हैं, तो मैंने इसलिए 2 चम्मच डाला है। और उसके बाद मैं यहाँ पे फुला रही हूँ सोयाबीन, जो कि मैं शॉप से ख़रीद के लाई थी। सोयाबीन को भी मैंने पहले फुलाने के लिए रख दिया है। और अब मैं यहाँ काट ली हूँ प्याज, जो कि मैं अभी फ्राई करूँगी। तो प्याज काटने के बाद ना इसे मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया ताकि जितने भी पीसेस सब अलग अलग हो जाए, इससे फ्राई करने में ईजी रहता है। और वैसे भी फ्राई करने टाइम ना अलग हो ही जाता है। तो ये देखिए कम से कम आधा घंटा हो चुका है चावल को फूले हुए, और बिल्कुल अच्छे से फूल चुके हैं। तो मैं इसे धो लेती हूँ। आप चाहे तो धो के भी फुला सकते हो, लेकिन मैंने पहले धो लिया था, एक बार फिर से मैंने धो लिया इसे। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी में चावल, और पानी बिल्कुल अच्छे से खौल गया था मेरा, उसके बाद ही मैंने इसमें चावल डाले हैं। तो चावल डालने के बाद ना इसे हर एक 2 मिनट के बाद इसे मिक्स करते रहना है, ताकि चावल जो है नीचे से जले भी ना और ज़्यादा उबले भी ना। तो चावल को हमें मीडियम ही उबालना है, जिससे ये खिले खिले रहे, बिल्कुल ज़्यादा गीला नहीं करना है, वरना बिरयानी बेकार हो जाती है। और जब तक मेरा चावल बन रहा है तो मैं एक साइड से फ्राई कर लूँगी प्याज। तो ये देखिए ये मेरा बन रहा है चावल, और उसके बाद मैं यहाँ फ्राई कर रही हूँ प्याज। तो प्याज फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। और ऑयल डालने के बाद अब मैं डाल दूँगी इसमें प्याज। तो प्याज मेरे थोड़े ज़्यादा थे, तो मैंने इसे 2 बार करके फ्राई किया है। तो आपको इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ज़्यादा नहीं जलाना है प्याज को, तो थोड़ा सा ही प्याज फ्राई करना है। और ये देखिए मैं बीच बीच में चावल भी देख रही हूँ, ताकि चावल जो है जल्दी बन ना जाए। और वैसे भी चावल जो है ना फूले हुए, तो ये जल्दी ही बन जाएंगे, इसलिए इसे देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए चावल जो है ना बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। 15 से 20 मिनट लगे हैं चावल को बनने में, और ये बिल्कुल अच्छे से बन चुके हैं। तो इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है मैं सब निकाल लूँगी एक बर्तन में रख के छान के। तो ये देखिए मैंने यहाँ चावल बन गए, सारा पानी जितना था एक्स्ट्रा मैंने सब निकाल लिया है। आप जो छन्नी वाली बर्तन होते हैं उसी में डाल के आप इसको छान सकते हो, ताकि जो इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो बाहर ना निकले। और आपको चाहे तो आप लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हो, अगर आप लोगों को पसंद हो तो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बिरयानी में ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश सब, तो मैंने नहीं डाला है। आपका मन हो तो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं चावल तो मैंने निकाल लिया, और उसके बाद मैं यहाँ फ्राई कर रही हूँ सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन वेज बिरयानी में सोयाबीन फ्राई करके ही डाली जाती है। कच्ची डाल देंगे तो वो बेकार टेस्ट आता है, इसलिए मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो फ्राई करने के लिए सोयाबीन अच्छे से फूल चुकी थी, इसे मैंने बिल्कुल रेड कर लिया था। और सोयाबीन ना फ्राई करते टाइम बिल्कुल अच्छे से जो निचोड़ना होता है उसे, ताकि उसका जो पानी जब हम फ्राई करें तो सोयाबीन का पानी एकदम छिटपटाए ना और उड़े भी ना हम पे, इसलिए मैंने इसका पानी बिल्कुल छाँट लिया था। पानी छाँटने के बाद ये देखिए सोयाबीन भी फ्राई हो चुकी है। अब मैं बनाऊंगी बिरयानी। तो बिरयानी बनाने के लिए मैंने कुकर ले लिया है, उसमें डाल दिया है मैंने 3 चम्मच घी, धनिया और जो मैंने फ्राई किया था प्याज वो। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चावल, और चावल डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी धनिया और फ्राई की हुई प्याज। तो ये आप देख सकते हो प्याज मैंने बिल्कुल गोल्डन ब्राउन किया, बिल्कुल ब्लैक नहीं किया है। ब्लैक करने से प्याज बिल्कुल जला जला टेस्ट आता है, इसलिए। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी सोयाबीन, और मैं डालूँगी इसमें आधा कटा हुआ नींबू। नींबू मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि चावल जो है वो खिले ही रहे, क्योंकि इसे हमें अभी थोड़ा सा 10 से 15 मिनट के लिए और हल्का सा स्टीम करना है। उसके बाद सारे इन्ग्रीडियंट्स डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच कलर, बिरयानी वाले कलर। आप चाहे तो कलर स्किप भी कर सकते हो, लेकिन कलर डालते तो देखने में अच्छा भी लगता है, टेस्ट से कोई मतलब नहीं, बस कलर देखने के लिए ही होता है। तो मैंने इसमें 2 चम्मच कलर ही ऐड किया है। और आप चाहे तो इसी तरह से आप 3-4 लेयर इसकी तैयार कर लीजिए। तो मैंने इसमें 3 लेयर बनाई थी, क्योंकि मेरे चावल ज़्यादा थे। उसके बाद सारे इन्ग्रीडियंट्स डालने के बाद मैंने इसे ढक दिया है 10 से 15 मिनट के लिए, और गैस का फ्लेम जो बिल्कुल मैंने लो कर दिया है, और ये 10 से 15 मिनट में बिल्कुल लो फ्लेम में बन के रेडी हो जाए। बिरयानी चढ़ा के आ चुकी हूँ जैसा कि आपने देखा, और वो ना बन रही है, बस 10 से 15 मिनट उसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। बहुत गर्मी हो रही थी, नीचे लाइट नहीं आ रही, तो मैं छत पे आ गई। वाह क्या हवा बह रही है, ये मैंने मम्मी के नाइटी पसा लिया। तो गैस देखो अभी ना पता है 2-3 बजे, 2 नहीं 12:30 थे, फिर अभी बज रहे हैं 2-2:30 बज रहे शायद। तो 2:30 बजे देखो कितना अच्छा मौसम हो गया, फिर से बारिश, ये देखो फिर बारिश का मौसम हो गया।
तो गाइस धूप जा चुकी है और फिर से हो चुका है बारिश का मौसम, जा चुकी है बारिश आने वाली है फिर से और मेरी मम्मी भी आने वाली है। और गाइस मम्मी भी बस आने वाली है थोड़ी देर में बच्चे के तीन। तो गाइस नीचे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लाइट नहीं आ रही है मौसम की वजह से, बारिश का मौसम है ना तो यहाँ ना लाइट कट जाती है क्योंकि तार वगैरह होते पानी भर जाता है जगह तो करंट लगने का भी डर होता है। पिछले साल ना पता है पानी भर गया था तो एक गाय थी वो खंभे से अटैच हो गई अपने आप, मतलब इतना ज़्यादा करंट आया कि वो चिपक गई खंभे में। लोगों ने बहुत ट्राई भी किया उसे हटाने के लेकिन वो हट नहीं पाई और वहीं पे मर भी गई वो। फिर सब लोगों ने मिलकर उसका वो अंतिम संस्कार वगैरह किया। तो उस तब से ना जब भी बारिश होती है तो इस इलाके में लाइट कट जाती है और वैसे सही भी है क्योंकि पूरी जगह पानी भर जाता है, इतना पानी भर जाता है घुटनों से ऊपर ऊपर तक पानी भर जाता है, आने जाने में इतना प्रॉब्लम होता है। इंसान तो फिर भी जैसे तैसे चल रहे लेकिन एनिमल्स वगैरह को और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको रहने के लिए जगह भी नहीं मिलती, गाय मरी तब से यहाँ लाइट कट जाती है। तो अभी भी बारिश का मौसम हो चुका है, लाइट जा चुकी है और नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मेरे से तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, मैं तो बिरयानी चढ़ा के छत पे आ गई। तो इतनी धूप थी कि दो मिनट में, मतलब धूप नहीं थी इतनी गर्मी थी, खड़ा ही नहीं रहा जा रहा था छत पे, धूप भी निकल गई थी थोड़ी थोड़ी। और अब देखो इतना अच्छा मौसम हो चुका है, मैं बहुत खुश हूँ। तो बस अब जा रही हूँ, थोड़ी देर में जाऊँगी देखूँगी कि हमारी बिरयानी कैसी बनी और मैंने कपड़े भी मैक्सिमम धो ही चुकी हूँ, जाके देखती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे बनाया है। तो ये देखिए चावल बहुत ही अच्छे से बन चुके हैं, प्याज वगैरह भी सॉफ्ट हो चुका है और सोयाबीन भी जो हमारे अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। और ये मैं आपको यहाँ देखिए मिक्स करके दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा टेस्टी बना है बिरयानी, देखने से ही इतना अच्छा लग रहा है ये। और कलर भी बहुत अच्छा ही आया है, तो मैंने कलर ज़्यादा नहीं ऐड किया था तो दोनों कलर मिक्स हो चुका है, वाइट और ऑरेंज। तो ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, अब इसे गर्मा गर्म प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी बिरयानी बनके बिल्कुल रेडी है, तो मैंने इसे सर्व कर लिया है प्लेट में। तो गाइस आप लोगों को मेरा ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, आप खाओगे तो लगेगा ही नहीं कि ये घर में बनाई हुई बिरयानी है, लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट या फिर जैसे आप ठेले में खाते हो वैसे ही बिरयानी। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो, बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, खाने में भी बहुत टेस्टी है आपको और आपके घर में सबको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और गाइस ये देखो मैं हूँ किचन में और ये ना मैं अपनी बिरयानी दिखा रही थी, तो बिरयानी तो मेरी बनके बिल्कुल रेडी है और देखिए मैंने इसे सर्व भी बहुत अच्छे से किया है, देखने में कितना टेस्टी भी लग रहा है ना। तो गाइस आप लोगों को मेरी ये रेसिपी और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो ढेर सारी लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप उसे देख सके। तो गाइस मिलती